अजमेर संभाग के नए संभागीय आयुक्त और बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने संभाला पदभार। विभागों और अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित कर आमजन के समयबद्ध तरीके से काम पूरे करने को बताया प्राथमिकता। अजमेर संभाग के नए संभागीय आयुक्त व बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से आमजन के बीच रहकर तत्परता से लागू कराना उनकी प्राथमिकता रहेगा। मार्च में बोर्ड की परीक्षा होने जा रही है, जिसमें लगभग 20 लाख परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। बोर्ड की परीक्षा कड़ी सुरक्षा में होगी। परीक्षा में किसी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवनियुक्त संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि संभाग के सातों जिलों की पूरी टीम, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर बेहतर समन्वय के साथ काम करना भी उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल रहेगा। संभागीय आयुक्त शर्मा ने कहा कि सबसे ज्यादा आवश्यकता बेहतर समन्वय से काम करने की होती है। कई विभागों को कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है और उनका प्रयास यही रहेगा कि सभी विभाग समन्वय और जिम्मेदारी के साथ काम करें, आमजन की आवश्यकता को समझते हुए बेहतर आउटपुट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपनी टीम के साथ संवेदनशीलता तत्परता के साथ उन मुद्दों का निस्तारण करेंगे जिसके लिए आम जनता को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है और घंटों इंतजार करना पड़ता है। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि आम जनता को साफ और बेहतर प्रशासन दिया जाए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि दो दिन पहले हाई कमीशन की परीक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित हुई थी। मार्च में होने वाली परीक्षा में करीब 20 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे। इसमें तय हुआ कि परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुख्ता बंदोबस्त और कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि राजस्व अदालत का जो काम होता है उसमें राजस्व अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अन्य काम भी करने होते हैं। प्रयास रहेगा कि वे नियमित रूप से राजस्व न्यायालय का ही काम करें। वे खुद प्रत्येक जिले की समीक्षा करेंगे और सभी अधिकारी संवेदनशील और समयबद्ध तरीके से काम को पूरा करें। इस मौके पर संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा का विभागीय अधिकारियों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। मैंने संभागीय आयुक्त अजमेर के पद के ऊपर अभी ज्वाइन किया है और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि राज्य सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम बेहतर तरीके से अजमेर संभाग में लागू करें। भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं और जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको हम पारदर्शी तरीके से संवेदनशीलता के साथ आम जन के बीच में रह करके और तत्परता के साथ लागू करवाएं। मेरा जो 7 जिलों की जो पूरी टीम रहेगी, प्रशासनिक टीम है, और विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हम बेहतर समन्वय के साथ काम करें। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हम बेहतर समन्वय से काम करें, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में आपस में कई बार कोऑर्डिनेशन का अभाव रहता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि संभाग में सभी विभाग बेहतर समन्वय से काम करें, पारदर्शिता के साथ काम करें और जिम्मेदारी के साथ और संवेदनशीलता के साथ काम करें। आम जन की आवश्यकताओं को समझते हुए हम बेहतर आउटपुट दे पाएँ। आम जनता की अपेक्षाएँ हमारे से बहुत कुछ अच्छा करने की होती है और मेरी टीम के साथ मेरा ये मतलब प्रयास रहेगा कि हम संवेदनशीलता के साथ, तत्परता के साथ उन मुद्दों का निराकरण करें जिनसे आम जन को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत सी बार अधिकारियों से मिलना नहीं हो पाता। तो उसमें हम चाहेंगे कि साफ सुथरा और बेहतर प्रशासन हम दे पाए। आपके पास बोर्ड का प्रशासक का भी अतिरिक्त कार्यभार रहेगा, आने वाले समय में परीक्षा एक चुनौती है। जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही जयपुर में हाई लेवल कमेटी की बैठक हुई थी। मैंने ज्वाइन करने से पहले मैं शासन सचिव था जयपुर में और उस समय मैंने उस बैठक में एडवांस में भाग ले लिया था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय के नेतृत्व में हमने ये तय किया है कि अभी जो मार्च में हम परीक्षाएं बोर्ड की करवाएंगे उसमें लगभग 20 लाख विद्यार्थी हमारे बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं जो इसमें भाग लेंगे। हम इस बार प्रयास करेंगे कि हम बहुत सख्त मतलब व्यवस्थाएँ करें, किसी भी तरह की बोर्ड परीक्षाओं में कोई कोताही लापरवाही हमें बर्दाश्त नहीं होगी। हम कोशिश करेंगे कि बेहतर सुरक्षा के साथ जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनको हम संपादित करें, जिससे कि समय के ऊपर बेहतर व्यवस्थाओं के साथ हम बोर्ड की परीक्षाओं को संपादित करवा पाए। सर, यह राजस्व मंडल का मुख्यालय है प्रदेश का और मोस्टली लोअर रेवेन्यू बोर्ड्स में जो है अधिकारी प्रोटोकॉल में रहते हैं और जो लीगल जुडिशियल वर्क है वो अफेक्टेड होता है, पोस्ट भी बहुत खाली है। राजस्व अदालतों का जो काम है वो हमारे जो राजस्व हमारे राजस्व अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनको निस्संदेह रूप से बहुत सारे दूसरे काम भी करने होते हैं। हम प्रयास करेंगे कि वो नियमित रूप से राजस्व न्यायालय को काम करें,
SDM, ADM, राजस्व अपील अधिकारीगण, हमारे जिला कलेक्टर साहिबान, जिसको भी सहायक कलेक्टरगण, जो भी राजस्व न्यायालय में पीटिशन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा और मैं खुद समीक्षा करूँगा प्रत्येक जिले की इस बात को लेकर के कि राजस्व न्यायालयों का काम, क्योंकि जो जमीन से जुड़ा हुआ काम है आम जन के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हम चाहेंगे कि हमारे पीटासीन अधिकारी, हमारे सभी अधिकारी संवेदनशीलता के साथ टाइम लाइन तय करके उन कामों को निपटाए, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि जो एक पुरानी कहावत थी कि बहुत लंबे समय तक राजस्व अदालतों में न्याय मिल पाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि समयबद्ध तरीके से जल्दी न्याय मिल पाए।